डॉक्टर अदिति बेदी, परमजीत सिंह गिल और करणजीत सिंह गिल मेरे जिगर के दो टुकड़े ने, मेरी रूह का रिश्ता जुड़ा उनसे। सरबजीत सिंह गिल अपनी कुर्बानी दे देगा, लेकिन अपने एक बेटे के लिए अपने दूसरे बेटे को कभी कुर्बानी होने देगा, चाहे उसके लिए कोई मेरी मदद करे या ना करे, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा साथ मेरी मदद करने के लिए अभी रब है, और अगर रब मेरे साथ है ना, तो बेशक जमाना दुश्मन हो जाए, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों को नीचे उतारो, इन्हें छोड़ना है, ऊपर से ऑर्डर आया है इन्हें छोड़ने का। पापा, पर हमने चोरी नहीं की। चुप मेरा परपुत्र, मुझे पता आपने कुछ नहीं किया, चुप चुप, मुझे पता है। महजी, रब ने हमारी सुन ली। तुमने इन बच्चों को क्यों छोड़ा है? क्योंकि इनके सरगना को हमने पकड़ लिया है, उसने कबूल कर लिया, जो भी किया उसने किया है, अब सजा उसे होगी, इन बच्चों को नहीं। महजी, परमपुत्र, आपकी मेहरमम्मा तो यही थी, कहाँ चली गई? इस तरह अचानक से इनका सरगना कहाँ से अटक पड़ा? टपक पड़ा नहीं है, टपक पड़ी है, अंदर खड़ी है। अदिति जी, अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, क्योंकि कुछ देर बाद इन्हें खुद ही अकल आ जाएगी कि क्या गलती करने जा रहे हैं ये लोग। जनाब, इस औरत ने ना बच्चों से भीख मंगवाने का और चोरियां करवाने का सारा जुर्म कबूल कर लिया है, सरेंडर कर लिया है इसने। क्या करना है अब आगे? करना क्या है? अभी एक बजा है, 3 बजे वो वुमेन सेल वाली गाड़ी आनी है, बैठाओ उसमें और भेज दो अम्बरसर जेल में। और एक बार वहाँ चली गई तो हमारे पास कम से कम हफ्ते दो हफ्ते का टाइम तो होगा ही छानबीन करने के लिए। जी, ये क्या किया आपने? अपने सर झूठा इल्जाम, मैं जी कह दीजिए झूठ, मैं जी बताइए ना, ये सब झूठ है। मैं मम्मा, चलो बहुत हो गया नाटक। महजी, महजी, मैं मम्मा जो महजी, क्योंकि आप ऐसा हूँ, मैं मम्मा आपको जेल में क्यों डाल दिया, बोलो ना। सिर्फ 2 घंटे मेरे पास,
कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको मैं जी। के हाथों में जंग लग गया था क्या जो पूरे दिन में सिर्फ एक ही बटुआ लेके आए? खबरदार जो मुंह से एक भी आवाज निकाली तो अगर गंजे पाजी का मूड खराब हो गया तो तुम सबके हाथ पैर काट के चौराहे पे भीख मंगवाएंगे तुमसे। आई बात समझ में? मोंटो गंजा पाजी बुला रहे हैं तुझे। मिस्टर दीवान, मेहर और सरब के बारे में कुछ पता चला? अभी तो नहीं, लेकिन मेरी पूरी टीम लगी हुई है। जैसे कुछ पता लगेगा मैं आपको फौरन फोन करूंगा। ओके मिस्टर दीवान, एक चीज और, मैं और रॉबी खुशी के हॉस्टल आए हुए हैं, तो हो सकता है मेरा फोन थोड़ी देर के लिए अनरीचेबल जाए, हमें घर आने में भी थोड़ा लेट हो जाएगा। अगर आपको मेहर और सरब के बारे में कुछ भी पता चले तो प्लीज आप एक मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको इमीडिएटली कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करूंगी उसके बाद। जी बिल्कुल, ठीक है। तूने इन चारों को कहीं देखा है? हाँ देखा है, है? इस गली के पीछे वाली बस्ती में रहते हैं ये लोग। मम्मी जी, किथे? इस बच्चे का नाम बीफोर परम है। किथे रहने ने? और छेती दस हम कौन के पास ले चल पुत्र? अपने आप ढूंढ लो, मुझे परेशान मत करो। और आने एक गल सुन, और इस बस्ती में 15-20 मकान जरूर होने ने, एक एक मकान टूटते हैं और जरूर मिलना उन्होंने इधर। और चलो 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 चलो। वीर जी टाइम क्या है? पाजी 1:30 बज गए। 1:30? इसका मतलब मेरे पास अब 1.5 घंटा बचा। पापा हम यहाँ क्या कर रहे हैं? परमपुत्र उन चारों बच्चों को ढूंढने हैं। मंटू, मोगली, लड्डू और राजू को क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने ये बता दिया कि वो किसके लिए काम करते हैं तो उनके बॉस को पकड़ के हम पुलिस के हवाले कर देंगे, फिर पुलिस मेरी मम्मा को छोड़ देगी।
साथ। मोंटू पापा हो रहा है मोंटू बोला ना नहीं जाना है। मोंटू मोंटू छोड़ो इसे, मोंटू छोड़ो छोड़ो मैं कहता हूँ। मोंटू ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों जाने दिया उस बच्चे को? मेरी बहन का क्या होगा? राजू और लड्डू का क्या होगा? वो हाथ पैर काट देगा उनके। कौन हाथ पैर काट देगा? मोंटू घबराओ मत, बताओ मुझे। गंजाबाजी। गंजाबाजी? कौन गंजाबाजी? वो हमसे चोरियां करवाता है। गंजाबाजी ने मुझे बोला है कि अगर आज मैं दो और बच्चे पकड़ के उनके पास नहीं लेके गया तो इन दोनों बच्चों को मुझे दे दो ना। मेरी बहन राजू और लड्डू बच जाएंगे। लड्डू राजू और मोगली के हाथ पैर काट के सिग्नल पे भीख मंगवाएंगे। तुम लोग अपने पैरों पे चलोगे या फिर बैसाखियों पे? ये सब मोंटू के ऊपर है। अगर मोंटू दो बच्चे लाया तो तुम सब बच गए, और अगर नहीं लाया ये क्या मोंटू? बस एक ही बच्चा, दूसरा कहाँ है? दूसरा बच्चा कहाँ है? यहाँ है। अरे पापा से कहना कि वो जो बैड अंकल है बच्चों से भीख मंगवा के उनको ढूंढ ले। अगर पापा ने उस बैड अंकल को ढूंढ लिया ना तो पुलिस मेरी मम्मा को छोड़ देगी। उस मेरी मम्मा को ये नहीं पता कि वो बैड अंकल कहाँ मिलेंगे। डोंट वरी मेरी मम्मा, पापा उस नींबू सिंह को पकड़ के आपको छुड़ा लेंगे। बच्चे चाहिए तुझे? चोरी करवाएगा उनसे, भीख मंगवाएगा। कहाँ है तेरा गंजा पाजी? वही गंजे पाजी, बाहर निकल, कहाँ छुपा है? किसकी मौत आई है जो शेर की गुफा में आकर शोर कर रहा है? एक घंटे में गड्डी आएगी और तुम्हें तुम्हारे ससुराल अमृतसर लेकर जाएगी जेल में। अमृतसर जेल जाने का मतलब है कि दो महीने तक बाहर आने का नहीं। हाय मेरे रब्बा, मेरे ससुराल जी 3 बजने से पहले जरूर आ जाएंगे। ओए गंजे उठ, आज तेरी टिंड ना पानती ना ते मेरा नाम भी सिंह पापा ने। उठ
आ गया तेरे सामने। कर ले जो अरमान पूरा करना है। हाँ ठीक है ठीक है। अब महर जी के लिए छह गंजा तो क्या, मैं शेर का पंजा तक चबा जाऊं। अच्छा बाजी, आप मेरे साथ चलोगे? कहाँ? कहीं आजादपुर पुलिस स्टेशन तक। तो मैं पूछ रहा था कि प्यार से चलोगे या क्या? मार खा कर प्यार से चल पड़ो तो पैन के सिंह पापा आपको मार कर डिसुम डिपसुम कर कर लेके चलेंगे। मुझे मारेगा ये पिद्दी? ओ फोर पापा, आप हंस क्यों रहे हो? मैं मम्मा को चुराना नहीं है। आप उतर जी। सिंह पापा की पावर को नहीं जानते तुम। सिंह पापा इस गंजे पाजी के ऐसे धुलाई करेंगे कि उसकी टाइट टाइट फिस हो जाएगी, है ना पापा? हाँ जी पुत्र जी। डरो मत बच्चा पार्टी, बस सिंह पापा को चेयर अप करते रहो। सिंह पापा, सिंह पापा, सिंह पापा, सिंह पापा, सिंह पापा, सिंह पापा, सिंह पापा। एक मिनट है तेरे पास, मैं तेरे ऊपर हाथ तक नहीं उठाऊंगा। थैंक यू गंजा। लेकिन अगर मैं एक मिनट में नीचे नहीं गिरा तो तू उठ जाएगा दुनिया से, तुझे ब्रेड के बीच में लगाकर खा जाऊंगा। बोल तैयार है? को बचाने के लिए मेरे पास सिर्फ 50 मिनट है। तूने घड़े को हाथ कैसे लगाया? मुझे प्यास लगी है, पानी। हमसे इजाजत ली तूने? देखिए आप चुप चुपचाप बैठ जा इस कमरे में, तुझे जिंदा रहना है ना। दोनों होती कौन है मुझ पे हुक्म चलाने वाली? जैसे मैं कहती हूँ आप भी कहती है। चल आजा इसे पानी पिला, पानी पिला तू इसे, आजा ले, ले, ले। चुकी है वहां से, आधे घंटे में यहाँ पहुंच जाएगी। Updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.